हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 के दोस्तों जो है आपका 11th मैच की मैच प्रेडिक्शन, और जो 11th मुकाबला है ये खेला जाएगा दोस्तों 21 अक्टूबर की सुबह 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार, और मुकाबला आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में होगा। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों की जो है जो नेक्स्ट मैच की वीडियो जो थी यूएई की, और जो मैच होना था दोस्तों आपका 20 तारीख को, उसकी वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि कुछ थोड़ा वो है जो दोस्तों मैं थोड़ा वो चल रहा था डिस्टर्ब लाइफ में, तो थोड़ा इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। अब जो आपको वीडियो मिलेगी तो दोस्तों अगर मैं दोनों टीमों के प्लेयरों पर डालूँ तो आयरलैंड के पास जो प्लेयर हैं एंड्रू बलब्रेनी, पॉल स्टार्लिंग और करीबन 177 रन चेस करके आ रहे हैं स्कॉटलैंड के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया में 177 चेस करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इस और हैरी टेक्टर, कर्टिस कैंपर क्या पारी खेली थी स्कॉटलैंड के खिलाफ। तो अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की टीम पर डालूँ तो उनके पास निकोलस पुरन दोस्तों, और आपका शमांता ब्रुक्स, शेल्डन कॉटल, अकीला सैन, रोमन पावल तो सिर्फ दोस्तों आप उनको चलवा लीजिए सीपीएल में, इंटरनेशनल के तो वो प्लेयर है ही नहीं, ठीक है गाइस। तो अगर मैं पड़ला भारी की बात करूँ तो भले ही वेस्ट इंडीज़ के उतने अच्छे हालात नहीं है, पर फिर भी मैं आयरलैंड से उनको थोड़ा हाईली रेट करूँगा, जबकि लेकिन हालात अच्छे नहीं है, गिरते पड़ते जीती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी मात्र 153 रन बना पाई थी, तो मुझे समझ ना आता इनका जो फायर पावर है जब ये देश के लिए खेलते हैं तो कहाँ चला जाता है। वैसे देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ कोई देश तो है ही नहीं, टापुओं से मिलकर बना है, तो देश वाली फीलिंग आएगी भी इनको कैसे। अगर मैं दोनों टीमों के पिछले 5 मुकाबलों पर डालूँ तो 5 में से 3 हार कर आ रही है आयरलैंड, 2 जीत कर आ रही है, 5 में से दोस्तों 3 हार कर आ रही है वेस्ट इंडीज़, 2 जीत कर आ रही है, ठीक है गाइस। इन दोनों टीमों के बीच जो पिछला मुकाबला हुआ था वो वेस्ट इंडीज़ जीती थी, उससे पिछला मैं आपको बता दूं आयरलैंड जीती थी। आपको याद होगा ओडीआई सीरीज वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हरा के आई थी, तो मैच अच्छा होने वाला है, काफ़ी टफ मैच होगा, ठीक है गाइस। अगर दोनों टीमों के पिछले 10 मुकाबलों पर डालूँ तो 40% विनिंग परसेंटेज है आयरलैंड का और 30% है वेस्ट इंडीज़ का, 140 रन एवरेज स्कोर है आयरलैंड का, 139 है वेस्ट इंडीज़ का, 190 रन हाई स्कोर है आयरलैंड का, 172 है वेस्ट इंडीज़ का, 56 रन लोएस्ट स्कोर है आयरलैंड का, 100 रन है वेस्ट इंडीज़ का, ठीक है गाइस। और अगर मैं सेशंस की बात करूँ तो यहाँ पर पहले पारी में बनते हैं 6 ओवर में 42 रन, दूसरी पारी में 39 रन, 10 ओवर में यहाँ पर बनते हैं 72 रन, दूसरी पारी में 69 रन, 15 ओवर में यहाँ पर पहली पारी में बनते हैं 112 रन, दूसरी पारी में 104 रन, 20 ओवर में यहाँ पे बनते हैं पहली पारी में 161 रन, दूसरी पारी में 136 रन, ठीक है गाइस। तो ये तो थी आपकी कुछ एनालिसिस। अब आइए बेलरी होवार्ट की जो पिच है उस पर नज़र डालते हैं। तो बेलरी होवार्ट का जो पिच है दोस्तों कुछ इस प्रकार है, मैं आपको बताता चलूँ तो इंटरनेशनल मैचेस बताऊँगा आपको दोस्तों मैं, तो इंटरनेशनल मैचेस कुछ इस प्रकार हैं, 7 मुकाबले हुए हैं, 5 जीते हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली ने, 2 जीते हैं बाद में बल्लेबाजी करने वाली ने। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है 273 रन का रहता है, ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट है 213 रन पे 4 आउट पे बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने, वेस्ट इंडीज़ का लोएस्ट है 118 पे ऑल आउट हो गई थी जो कि स्कॉटलैंड के खिलाफ इसी वर्ल्ड कप में हुआ था। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ 150 से कम शून्य बार, 150 से 169 के बीच का स्कोर 3 बार, 170 से 189 के बीच का स्कोर 3 बार, 190 से ऊपर स्कोर 1 बार बन चुका है, ठीक है गाइस। तो ये तो थी दोस्तों पिच रिपोर्ट। अब आइए दोस्तों दोनों टीमों की जो है प्लेइंग 11 पर डालूँ तो वेस्ट इंडीज़ के पास जो प्लेयर है ओपनिंग करेंगे काइल मायरस, जॉनसन चांस, ईवेल लुइस नंबर 3, निकोलस पुरन नंबर 4, शमांता ब्रुक्स नंबर 5, रोमन पावल नंबर 6। बाकी की प्लेइंग 11 ओपनिंग स्क्रीन पर देता हूँ, दिख रही होगी दोस्तों आपको, देख लीजिएगा। वही मैं आपको बता दूं कि दोस्तों कमाल के वेस्ट इंडीज़ बोर्ड है, जेसन होल्डर जैसे खिलाड़ी टीम में है और निकोलस पुरन जैसे चूतिया खिलाड़ी को कप्तान बनाया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं वेस्ट इंडीज़ बोर्ड का दिमाग। वहीं दोस्तों अगर मैं आयरलैंड की प्लेइंग 11 पर डालूँ तो पॉल स्टार्लिंग ओपनिंग करेंगे एंड्रू बलब्रेनी के साथ, लॉरेंट टक्कर नंबर 3, हैरी टक्कर नंबर 4, कर्टिस कैंपर नंबर 5, डॉक डॉकरल नंबर 6। बाकी की प्लेइंग लाइनअप उन्हें स्क्रीन पे दिख रही होगी, देख लीजिएगा। तो अब आपको करना क्या है गाइस, आपको जो है दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना है,
क्योंकि कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच विनर चेंज होता है तो उसकी अपडेट मैं टेलीग्राम में देता हूँ। और दोस्तों बहुत से छोटे छोटे मैच होते हैं जिनके वीडियो नहीं बना पाता, पर उनकी मैच प्रीक्षण आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलती है। सेशंस और फैंटेसी टीम्स के लिए भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। सेशंस और फैंटेसी टीम्स भी आपको बिल्कुल फ्री में मेरे टेलीग्राम में दी जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत से फेक चैनल बन गए हैं मेरे नाम पर टेलीग्राम पर, तो अगर आप उन फेक चैनलों से बच के रहना चाहते हैं तो मेरे द्वारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाता है, उसी से ज्वाइन हो। उसके अलावा को कहीं भी कोई लिंक मिले टेलीग्राम का तो ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। तो मेरे हिसाब से जो टीम मैच जीतेगी दोस्तों वो होगी वेस्ट इंडीज़, या दोस्तों वेस्ट इंडीज़ ही मुकाबला जीतेगी मेरे हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।